हेलो एवरीवन, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट, लाइक अ मॉक टेस्ट पार्ट टू। ओके, फॉर एनएलसी जीईटी। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग हियर। सो वी आर स्टार्ट विद क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ 6-bit लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हैज अ डिजिटल इनपुट। ओके, फाइंड द एनालॉग वोल्टेज फॉर दिस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। बी रेफरेंस दिया है आपको। ओके, सो अब जब जानते हैं फॉर्मूला कि बी आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी इनपुट। और जो आपका रेजोल्यूशन होता है वो होता है आपका बी रेफरेंस अपॉन 2 to the power n। बी रेफरेंस आपको गिवन है और 2 to the power n, ठीक है, 6-bit लैडर है तो 2n की वैल्यू क्या है, 6 आपको गिवन है। सो आपका रेजोल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका रेजोल्यूशन निकल के आ जाएगा तो आपको डेसिमल इक्विवेलेंट दिया है 101001। ओके, इस डेसिमल इक्विवेलेंट को सॉल्व करना आपको आता ही होगा। 1 × 2 to the power 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके करते हैं, ठीक है। ऐसी बाकी के टर्म्स आप कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 41। और बी आउटपुट का फॉर्मूला रेजोल्यूशन इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी इनपुट, इस फॉर्मूले में आप रख देंगे तो आपका बी आउटपुट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 240 volt 50 hertz supply feeds a highly inductive load of 50 ohm resistance at firing angle 45 degree. What would be the value of load power when the supply is through a thyristor half control bridge? Okay, so thyristor half control bridge diya hai, yani ki formula kya hoga, Bm upon pi half control ka bridge ka formula hota hai, Bm upon pi 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। बी एम आपका क्या है, 240√2, मैक्सिमम वैल्यू 240√2। ओके, आपको फाइंड करना है आई आर में लोड पावर, है ना, लोड पावर की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि पी इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। और आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अंडर रूट ऑफ पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई। ये आपका आई आर एम एस का फॉर्मूला है। आई एवरेज का फॉर्मूला होता है बी एवरेज अपॉन आर। तो बी आउटपुट का एरा, ठीक है, आई एवरेज आपका एरा, आई आर एम एस का फॉर्मूला आई नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई, और पी इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ओके, वन थिंग इज दैट कल या परसों दोनों दिन मेरी जी की फॉर्मूला बुक का रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है, बेस्ट है, जल्दी रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। ओके, ये आपको अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसका पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, ठीक है। आप लिखेंगे मीडी जी फॉर्मूला बुक इलेक्ट्रिकल तो आपको अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ऑफ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, जो कि दिया हुआ है, ठीक है, k अपॉन s प्लस 5 का होल क्यूब। अब आपसे k की वैल्यू पूछी है फॉर द फेज मार्जिन ऑफ द सिस्टम टू बी 45 डिग्री, ठीक है। आपको गिवन क्या है, k अपॉन s प्लस 5 का होल क्यूब। फेज मार्जिन आप जानते क्या होता है, 180 डिग्री प्लस एंगल जी जी ओमेगा, ठीक है। ओमेगा जी सी पे लेते हैं, जो एंगल लिया आपने जी जे ओमेगा ऑफ जी सी, क्योंकि ये क्या है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे अपन फेज मार्जिन निकालते हैं, ठीक है। तो ओमेगा जी सी एट मॉड ऑफ जी जे ओमेगा इक्वल्स टू 1, फेज मार्जिन आपको दिया है 45 डिग्री। सो 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस, अब एस प्लस 5 का होल क्यूब जो है, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको कैसे लिखोगे, 180 डिग्री माइनस, और इसको कैसे लिखते हैं, 3 tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 5। सो 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 3 tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 5। ओमेगा जी सी की वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे इधर से, ओमेगा अपॉन 5, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। अब k ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आपको अब जो आपका k अपॉन s प्लस 5 का होल क्यूब है उसको इस प्रकार लिख सकते हैं आप, ठीक है, k अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 25 का होल क्यूब इक्वल्स टू 1। तो
ओमेगा की वैल्यू क्या है आपने 5 निकाल ली, तो आसानी से आपके के की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 250 रूट तो आपको दिखाई दे रही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर है इज ड्रॉइंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। ओके द टोटल रेजिस्टेंस इफ आर्मेचर एंड आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड इज 1 ओम। ठीक है, आर ए की वैल्यू क्या दी है आपको 1 ओम दी है। इट इज ब्रेक्ड बाय प्लगिंग, अब वो प्लग ब्रेक हो जाती है बाय प्लगिंग के द्वारा। ठीक है, द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विथ मोटर टू रेस्ट्रिक्ट करंट टू 20 एम्पियर वुड बी। ठीक है, अब आपसे रेजिस्टेंस पूछा है जो सीरीज में हमने मोटर के साथ जो पुट किया है किसके लिए, जो 20 एम्पियर के करंट को रेस्ट्रिक्ट कर सके। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है मोटर के केस में, ई इक्वल्स टू बी माइनस आई आर ए। प्लगिंग कंडीशन में क्या होता है कि मोटर आपका जनरेटर की तरह वर्क करने लगती है ना, सो ईवी प्लस वी टी इक्वल्स टू आई ए आर ए हो जाएगा। अब सीरीज रेजिस्टेंस को जब आप ऐड कर देंगे तो वहां से करंट क्या निकल के आएगा, ईवी प्लस वी टी अपॉन आर ए प्लस आर एस। ईवी का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस आई ए आर ए, सो 220 वोल्ट माइनस 10 एम्पियर आपका करंट दिया हुआ है इंटू आर ए की वैल्यू क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, तो 210 वोल्ट आ गया। टर्मिनल वोल्टेज आपको गिवन है 220 वोल्ट, ईवी आपका निकल गया 210 वोल्ट, आर ए की वैल्यू 1 गिवन है आपको, आर एस की वैल्यू चाहिए आई ए टू आपका 20 एम्पियर करंट में आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। ठीक है, आई ए टू एरा और ए क्या था आपका आई ए था। ठीक है, सो आर एस विल बी 20.5 ओम। एक डीसी शंट मोटर रन्स एट नो लोड स्पीड ऑफ 1140 आरपीएम एट फुल लोड आर्मेचर रिएक्शन बीगन्स द मेन फ्लक्स बाय 5%। ओके, वेयर इज द आर्मेचर सर्किट वोल्टेज ड्रॉप बाय 10% द फुल स्पीड ऑफ द मोटर इज। अब आप जानते हैं कि ई इक्वल्स टू पी फाइव एन जेड अपॉन 60 ए होता है ना। अब कंडीशन आपको क्या दी है कि फाइव टू जो है ना वो मेन फ्लक्स 5% रिड्यूस हो रहा है, यानी कि बीकन्स हो रहा है। फाइव टू क्या हो जाएगा आपका 0.95 टाइम्स ऑफ 51 है ना, और सर्किट वोल्टेज आपका जो है वो ड्रॉप हो रहा है 10%, यानी कि 0.9 eV1। इस इक्वेशन से फ्लक्स और स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो किस कुछ इस प्रकार आएगा, EV2 अपॉन EV1 इक्वल्स टू 52 अपॉन 51 इनटू N2 अपॉन N1। केवल वैल्यूज आपको पुट करना है क्योंकि 52.95 I1 है, तो 0.9 eV2 अपॉन EV1 इक्वल्स टू 0.9552 अपॉन 51 इनटू N2 अपॉन N1 की वैल्यू 1140 दिए, सो N2 यू विल गेट। क्वेश्चन है कि इन अ पावर सिस्टम देयर आर 50 बसेस एज फॉलोस, स्लैक बस की वैल्यू, जनरेटर बस की वैल्यू, लोड बस की वैल्यू। बाय द न्यूटन रैप्सन मेथड द साइज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स फार्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला बस निकालने का फॉर्मूला था 2n-m-2 है ना, तो 2n यानी कि टोटल बसेस, n आपकी टोटल बसेस है, टोटल बसेस, सो 2 × 50 - m जो कि आपकी जनरेटर बसेस है। किसको कंसीडर करते हैं फॉर्मूले में हम, जनरेटर बस को, तो 2n-m-2 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 90×90 आपका साइज आ जाएगा। नेक्स्ट इस एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 30 एचपी की थ्री फेस इंडक्शन मोटर है जो कि ड्रॉ कर रही है 50 एम्पीयर करंट, पॉइंटेड पावर फैक्टर लैगिंग पे, स्टेटर एंड कॉपर लॉस आपको गिवन है। ठीक है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आपको दिए हैं, कोर लॉसेस आपको 1200 वाट दिया है, एयर गैप पावर आपसे पूछी गई है। एयर गैप पावर का फॉर्मूला होता है आपका इनपुट पावर माइनस स्टेटर कॉपर लॉस माइनस स्टेटर कोर लॉस। इनपुट आपको इनपुट स्टेटर कॉपर लॉस की वैल्यू दी है 1.5 किलोवाट और रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू दी है 900 सॉरी स्टेटर कोर लॉस की वैल्यू दी है आपको 1200 वाट है ना। इनपुट पावर क्या होता है, √3 BI cos φ, तो इनपुट पावर आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 27.71 - 1.5 और -1.2
विच इज इक्वल टू 25.01 किलोवाट किलोवाट में वाट में कन्वर्ट कर लिया है, इसीलिए ये वैल्यू हो गई। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। 400 वोल्ट थ्री फेज फोर वायर इज फीडिंग अ बैलेंस लोड ऑफ 100 वॉट लैंप इन ईच फेज। इफ द लैंप इन वन ऑफ द फेजेस गोज ऑफ, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर कनेक्टिंग न्यूट्रल्स ऑफ द सप्लाई एंड लोड। ओके, सो हमको एमीटर की रीडिंग फाइंड करना है। ठीक है, सो ड्यूरिंग बैलेंस लोड पावर आप जानते क्या होगा थ्री फेज के लिए 300 वॉट, ओके 300 वॉट इन ईच फेज लिखा हुआ है, 100 वॉट इन ईच फेज, सो 300 वॉट इज द पावर ड्यूरिंग बैलेंस लोड। जब आपका अनबैलेंस हो जाता है यानी कि वन फेज आपका गोज ऑफ हो जाता है ना, सो जब आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मर केस में थ्री फेज से टू फेज कन्वर्जन में 57.7% हो जाता है सेकेंड फेज कन्वर्ट करने में, तो दो फेज बचेंगे इसलिए 0.57% यानी कि 57%। ठीक है, जब एक फेज आपका गोज ऑफ हो गया, अब आपको फाइंड करना है रीडिंग। ठीक है, रीडिंग ऑफ द एमिटर कनेक्टिंग न्यूट्रल्स विच इज इक्वल टू 171 P/B, I इक्वल टू P/B विच इज इक्वल टू 0.43 एम्पियर। दीज आर सम थ्योरी क्वेश्चन। या फ्रीव्हीलिंग डायोड इन अ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, इंप्रूव्स द पावर फैक्टर। एन इंडक्शन टाइप वोल्ट मीटर एंड एमीटर्स द इंस्टेंटेनियस टॉर्क इक्वल्स टू फाइव वन प्रोपोर्शनल टू फाइव वन आई टू माइनस फाइव टू आई वन। लोड कंपनसेशन इन पावर सिस्टम इज अ प्रोसेस टू मेंटेन बेटर वोल्टेज प्रोफाइल। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इक्वलेरी क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी कैन बी यूज्ड, विच इज वन मशीन एंड इनफाइनाइट बस बार। एंड दिस इज द फॉर्मूला यू नो दैट, ये मैक्सिमम शिफ्ट लैग कंपनसेटर का फॉर्मूला जो होता है, होता है साइन इनवर्स 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस 1। ओके, इन केस ऑफ टू वॉट मीटर मेथड फॉर मेजरिंग द पावर ऑफ अ बैलेंस थ्री फेज लोड द होल पावर इज मेजर्ड बाय वन ऑफ द टू वॉट मीटर्स व्हेन, जब आपका पावर फैक्टर 0.5 होगा। ठीक है, करंट रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो करंट रिपल फैक्टर, रिपल करंट एंड एवरेज लोड करंट आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन विच इज इक्वल्स टू द आई आर इक्वल्स टू करंट रिपल फैक्टर इंटू आई नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पावर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिस्टम मैट्रिक्स विच इज एम क्रॉस एम। इफ वी एन एलिमेंट इफ नाउ एन एलिमेंट इज एडेड इन अ पावर सिस्टम नेटवर्क विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू नोड द डायमेंशन ऑफ द न्यू इंपेडेंस मैट्रिक्स विल बी, ये भी क्या रहेगी आपकी एम क्रॉस एन। ठीक है, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर एंड फीडर वोल्टेज कंट्रोल फॉर विच कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड दैट इज संट कंपनसेटर। एज हिस्टेरेसिस मोटर्स आर फ्री फ्रॉम मैकेनिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन देयरफॉर दीज आर कंसिडर्ड एज सूटेबल फॉर साउंड इक्विपमेंट। सो साउंड इक्विपमेंट में हम हिस्टेरेसिस मोटर्स को यूज करते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, सम दीज आर ऑल्सो थ्योरी क्वेश्चन। डीप बार रोटर का क्यों यूज करते हैं, ठीक है, इफेक्ट क्या होता है एडिंग पोल्स एंड जीरोस का। ठीक है, वो इफेक्ट ऑफ एडिंग पोल्स एंड जीरोस किससे आसानी से हम निकाल सकते हैं, बोर्ड प्लेट को द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन है जैसे कि प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ अ पीआई कंट्रोलर 40% आपको दिया है, रीसेट टाइम आपको 0.5 सेकंड दिया है, ट्रांसफर फंक्शन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो गेन ऑफ पीआई कंट्रोलर आप जानते हैं फॉर्मूला होता है KP1+1/T1S, T1 आपका रीसेट टाइम है। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को कैसे फाइंड करते हैं, जो कि होता है आपका 100 प्रोपोर्शनल बैंड, और प्रोपोर्शनल बैंड की वैल्यू ए है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दी है 2.5 आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। अब फॉर्मूले में रख दीजिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1+1/0.5S, आपका आंसर आ जाएगा 2.5 1+2YS। सम मोर थ्योरी क्वेश्चंस, ओके, यू कैन रीड दिस वाया पीडीएफ। ओके,
or you can see here also. Next question, if a synchronous motor, if beta is impedance angle or delta is the torque angle, then the maximum developed mechanical power is obtained by. So formula ये होता है, ठीक है, condition जब आप maximum की condition क्या होती है, derivative condition. तो derivative condition आप जब find करेंगे तो sin beta minus delta आएगा, ठीक है. और जब beta minus delta equals to delta equal to beta रखेंगे, that is the maximum developed power condition, okay. नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर SRM स्विच रिलक्टेंस मोटर का क्या यूज है. तो एक स्टेपर मोटर होती है विद क्लोज लूप कंट्रोल विद रोटर पोजीशन सेंसर. फाइव अल्टरनेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कुछ ऐसे कनेक्टेड होंगे फाइव अल्टरनेटर, ओके, पैरेलल में चार पांच, ठीक है. तो आपसे पूछा है कि ईच अल्टरनेटर का 5 MVA 13.2 kV और 25% रिएक्टेंस है, ओके. पूछा है आपसे डिटरमाइन द शॉर्ट सर्किट लेवल इन MVA एट द बस वायर. तो रिएक्टेंस आप फाइंड कर लेंगे 0.25 अपॉन 5 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.05 ओम, ठीक है. क्योंकि 0.25 अपॉन 5 क्यों किया है अपन ने, क्योंकि इधर 5 अल्टरनेटर्स हैं, तो रेटिंग क्या हो जाएगी डिवाइड, सो व्हिच इज इक्वल्स टू 0.05 ओम. तो ये आपका परसेंटेज रिएक्टेंस क्या हो गया, 5%, ठीक है. अब शॉर्ट सर्किट एमबीए का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, परसेंटेज रिएक्टेंस लास्ट में आता है आपका, है ना, ऊपर क्या आता है एमबीए इनटू 100 अपॉन परसेंटेज रिएक्टेंस. अ टोराइड इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर and an effective length of 8 cm. There is also a short air gap 0.25 mm length and an effective area of 2.8 cm square and MMF of 200 ampere turns. Total flux in the toroid. ठीक है? So flux आप जानते हैं MMF अपॉन reluctance होता है. और इस condition में reluctance कैसे find करेंगे आप? तो force का formula होता है D, ठीक है, जो कि आप D मतलब जो आपको शॉर्ट एयर गैप दी हुई है, ठीक है, ये आपका D है, यानी कि लेंथ. सो 0.25 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 और म्यू नॉट आप जानते हैं और AG क्या है आपका, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया है, ठीक है. तो इस प्रकार आपका रिलक्टेंस फाइंड कर लेंगे. रिलक्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या है, तो लेंथ आपको दी है L अपॉन, मान लीजिए L अपॉन म्यू तो आप जानते होंगे, सो L अपॉन म्यू है एक्चुअली L अपॉन म्यू A. R equal to rho L upon AC निकाला L upon so mu, that is a formula, okay. In single pulse width modulation used in PWM inverters, BS is the input DC voltage. For eliminating third harmonic, the magnitude of RMS value of fundamental component of output voltage and pulse width का formula होता है 2D. और क्या पूछा आपसे, B output पूछा है. जब भी आप इन्वर्टर्स की बात आती है, फॉर्मूला आपका सिंगल पल्स विड्थ में क्या होता है, 4Vs अपॉन n पाई, ठीक है, या 4 आरएमएस क्या होता है, 4Vs अपॉन रूट 2 पाई. 4Vs अपॉन रूट 2 पाई का फॉर्मूला ये रहा. पल्स विड्थ होती है 2 इंटू डी, ठीक है, और डी क्या होता है आपका 180 डिग्री मोड में, 180 डिग्री अपॉन 3, ठीक है, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक्स को हमको रिमूव करना है, सो 180 डिग्री अपॉन 3 व्हिच इज डी, सो 120 डिग्री इज द आंसर. ए आप रीड कर लेना, डी फर्जिफिकेशन इसमें से क्वेश्चन बना था आपका, ठीक है, जो कि ए है, ठीक है, ए ही आपसे पूछ गया था. सम थ्योरी क्वेश्चंस, ओके, रिलेटेड टू सॉफ्ट कंप्यूटिंग इंग्लिश क्वेश्चंस आर देयर, ओके, you can read this by a PDF. So Palaghat gap पूछा आपसे, कहाँ पर located है, नीलगिरी हिल्स एंड अनंबलाई हिल्स, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, और शायद केरल में है, शायद उड़ीसा है केरल में. सो इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल, PNB किसके साथ मर्ज हुआ है, UBI और OBC के साथ, ठीक है.
टू मोर क्वेश्चन। चैत्य भूमि पूछा है किसकी क्रिमेशन स्पॉट है यानी कि समाधि स्थल, भीमराव अम्बेडकर की। सो एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि टू आइडेंटिकल कंटेनर्स हैं जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1 और 3:1। इफ बोथ द कंटेनर्स आर एम्प्टीड इनटू अनदर कंटेनर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अनदर कंटेनर। तो ये मिल्क का है, वाटर का है, मिल्क का है, वाटर का है ना। तो मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, वाटर का क्या हो जाएगा 1:3, दूसरे में 3:4, 1:4। तो वाटर वाटर को ऐड कर लो, मिल्क मिल्क को ऐड कर लो और दोनों का रेशियो निकालो तो 17:7 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ठीक है, एम टेक्स 60% मोर टाइम देन एन टू कंप्लीट अ वॉल, इफ टुगेदर दे कंप्लीट इन 24 days, देन हाउ मेनी डेज विल एन अलोन टेक टू कंप्लीट इट। सबसे पहले तो मान लो कि एन जो है वो 100 दिन में कंप्लीट करता है, अब ए 60% ज़्यादा कर रहा है तो 160 दिन में करेगा। इन दोनों का रेशियो निकाल लो, रेशियो जैसे निकाल लेंगे तो टोटल वर्क क्या हो गया उनका 8+5 13 हो गया, और 13 × 24 312 हो जाएगा। ठीक है, सो पूछा कि आपका 312 और पूछा किसका एन का, तो एन का डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 39। ओके, सो यू कैन डाउनलोड द PDF थ्रू डिस्क्रिप्शन लिंक। ओके, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका लिंक दिया आपको, वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर देंगी। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। ओके, सो थैंक यू।